जंगहा थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान हुए डबल मर्डर के आरोपी व 20,000 के इनामी घोषित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र मंगरू यादव निवासी राघोपट्टी पड़ी नई बाजार थाना जंगहा को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। हाँ गिरफ्तार है, तीन नहीं दो फरार हैं, राघवेंद्र और संतोष। ये राघवेंद्र का जीजा है और 20,000 रुपये का इसके नाम घुसे था। एसटीएफ और जंगहा पुलिस को 50,000 संयुक्त थाना मुख्य योगदान इसमें एसटीएफ का इनपुट उनका था। जैसे कि आप लोग अवगत हैं 10/4/18 को जंगहा में एक डबल मर्डर हुआ था जिसमें राघवेंद्र नामक एक अपराधी है जो हार्डकोर एक लाख के नाम घोषित है। उसी प्रकरण में दो जो है इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये संतोष यादव है, इन पे भी जो है काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। 20,000 रुपये का इन पे इनाम घोषित था। एसटीएफ और जंगहा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की गई है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। वैसे तो ये टाइल्स का काम करता है, लेकिन वो जो जंगहा में डबल मर्डर हुआ था उसमें जो है इनके षड्यंत्र करने में और अभियुक्त को शरण देने में पूर्ण भागीदारी पाई गई, जिसके कारण जो इनका नाम प्रकाश में लाया गया था और ये काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा था। पहले से कोई अपराधी इतिहास नहीं है, लेकिन उस डबल मर्डर में जिसमें राघवेंद्र मुख्य अभियुक्त था उसमें जो है 120 बीके होते हुए काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था।